दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबाकर पाए दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। चैनल को दिए इंटरव्यू में दीपिका पादुकोण ने बिना रणवीर का नाम लिए वो रिश्ता टूटने का दर्द बताकर आलिया भट्ट को सावधान किया है। इस इंटरव्यू में दीपिका पादुकोण ने कहा कि उन्होंने रंगे हाथों उसे पकड़ा था। दीपिका, ये वो वक्त था जब उन्होंने अपनी सारी भावनाओं को भूलकर उससे अलग होने का फैसला किया था। दीपिका ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा कि उनके लिए किसी के करीब जाने का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ शारीरिक तौर पर किसी के करीब जाती हैं। दीपिका ने कहा कि वो उस रिश्ते में भावनात्मक रूप से भी आई थी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जैसा वो सोचती हैं ऐसा ही सब सोचें। दीपिका ने आगे कहा कि जब वो रिलेशन में थी तो कई लोगों ने उन्हें बताया था कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। दीपिका, ये खुद उन्हें भी बता था कि वो धोखा दे रहा है, लेकिन उसने मेरे सामने भीख मांगते हुए रिश्ते को बचाने को कहा तो मैंने उसे दूसरा मौका दे दिया। हालांकि इसके बाद भी मैंने उसे खुद एक दिन रंगे हाथों पकड़ लिया। दीपिका ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। इससे बेहतर है कि वो सिंगल रहना पसंद करेंगी। इस इंटरव्यू में दीपिका ने अपने दिल में छुपे सारे राज खोलते हुए कहा कि जब उन्हें पहली बार उसने धोखा दिया तो दीपिका को लगा कि उनके रिश्ते में कुछ तो है जो सही नहीं है, शायद इसीलिए ये सब हुआ। मगर जब किसी आदत ही धोखा देने की हो जाए तो आप अपना सब कुछ देने के बाद भी उस रिश्ते में हार जाते हैं। दीपिका, उन्होंने उस रिश्ते में सब दिया लेकिन कभी किसी चीज की वापसी की उम्मीद नहीं की। आपको बता दें कि साल 2008 में रणवीर और दीपिका फिल्म बचना है हसीनों की शूटिंग के दौरान एक दूजे के करीब आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर ने दीपिका के नाम का टैटू भी बनवाया था। अब इस वक्त रणवीर कपूर आलिया भट्ट के साथ रिलेशन में हैं और दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के साथ रिलेशन में हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। ऐसी ही और रोचक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।